तो भाई लोग स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो आज हम लोग FL Studio मोबाइल का लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पर बहुत भाई लोग का प्रॉब्लम आ रहा था कि FL Studio मोबाइल लेटेस्ट वर्जन में कि फाइल शो नहीं हो रहा था, राइट, यही बात है। तो आप लोगों का भी सेम यही दिक्कत आ रहा था, तो चलिए मैं भी आज इंस्टॉल कर ही लिया हूँ, क्योंकि मैं यूज़ नहीं करता था लेटेस्ट वर्जन। लेकिन जब आप लोगों का डिमांड आया कि फाइल शो ही नहीं हो रहा, तो उसका सोल्यूशन मैं आज इस वीडियो में लेकर आ गया हूँ, क्योंकि बहुत भाई लोग का प्रॉब्लम था। अगर वीडियो नहीं बनाता ना तो समझ में भी नहीं आता। तो ये हमने मोड APK जो कि इंस्टॉल कर लिया है FL Studio मोबाइल का। देख सकते हैं आप यहाँ पर जाके, ये जो वेबसाइट है इनसे जाकर आप इनका मोड यूज़ कर सकते हो। मैं इसको हटा दूँगा बस कुछ ही दिन के बाद, क्योंकि मोड वाला मैं यूज़ नहीं करूँगा। तो फाइल अलाउ कर देना, तो ऐसा फाइल एक बार मार्जिनिंग होगा, माइग्रेशन यानी कि फाइल आपका ट्रांसफ़र होगा। यहाँ का जो नॉर्मल फाइल रहता है ना, यहाँ देख सकते हैं, हाँ यही वाला फाइल आपका ट्रांसफ़र होके कहीं और जाएगा। अभी देखिएगा वीडियो में, मैं आपको बताऊँगा कहाँ जाएगा। देखिए जो ये वाला मेरा सब फोल्डर है वहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर जो फोल्डर दिख रहे हैं, यही फोल्डर जो कि दूसरे जगह मेरा शिफ्ट हो रहे हैं। माइग्रेशन का मतलब ही वही होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान जाना। ये देखिए मेरे टोटल फाइल माइग्रेशन हो रहे हैं। तो हम भी देख लेते हैं कितना टाइम लगता है माइग्रेशन होने में, क्योंकि फाइल यही कारण है कि फाइल शो नहीं करता है। तो माइग्रेशन हो चुका है, तो माइग्रेशन कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम चलते हैं फिर से, अब घुसते हैं, क्योंकि मेरा ऑटोमेटिक बाहर फेंक दिया। तो देखिए फिर से हम ओपन कर लिए। तो यहाँ पर अब देखते हैं, देखिए यहाँ पर टोटल मेरा फोल्डर्स वगैरह ले चुका है, यहाँ एप्लीकेशन पूरा ऑल डन है। लेकिन यहाँ पर देखिए फोल्डर्स तो मेरे ये सारे हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर सैंपल्स यहाँ पर आ चुके हैं, जो कि मुझे यहाँ पर सैंपल्स नहीं चाहिए। यहाँ पर मुझे मेरा FLP प्रोजेक्ट चाहिए, FLM प्रोजेक्ट, क्योंकि यहाँ पर FLM प्रोजेक्ट होने चाहिए। उसके जगह पर यहाँ पर मेरे सैंपल्स आ चुके हैं। अब ये अपडेट कैसा है हमको तो नहीं पता। यहाँ पर देखिए ये सब आ चुके हैं। तो देखिए अभी आगे देखते जाइए मैं किसी सॉन्ग को लाऊंगा, क्योंकि सॉन्ग अभी मेरा कहीं भी नहीं मिलेगा। ये देखिए ये यहाँ पर भी प्रोजेक्ट में ढूंढा मैंने, पर यहाँ पर भी नहीं मिला। तो फिर मैं अब देख लीजिए, अभी मैं इसको फिर थोड़ा सा चेकआउट कर लूँगा। यहाँ पर लिंक पर क्लिक करने से इनका वेबसाइट चला जाता था। यहाँ पर कोई भी ज़्यादा मेरा FLM प्रोजेक्ट एक भी शो नहीं कर रहा था, क्योंकि मेरा सारा FLM प्रोजेक्ट था बट शो नहीं कर रहा था। यहाँ पर सैंपल्स आ जा रहे थे। मेरे तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मेरे FLM प्रोजेक्ट बहुत सारे थे, यहाँ पर एक भी नहीं थे, बस फोल्डर जो कि शो फोल्डर ही यहाँ पर शो हो रहे हैं, FLM प्रोजेक्ट शो ही नहीं हो रहा है मेरा। पर बहुत ही ज़्यादा देखने के बाद बस सिर्फ मेरे सैंपल ही मिल रहे थे। वीडियो को थोड़ा फास्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर प्लस के आइकन इनपुट पे, यहाँ पर जो कि सेव के नीचे था, वहाँ पर हमने क्लिक करके इनपुट करने की कोशिश कर रहे हैं हम फोल्डर को, किसी एक FLM प्रोजेक्ट को, ताकि हम उसको इनपुट करके देख सकें FLM प्रोजेक्ट आ रहा है कि नहीं। तो इनपुट पर क्लिक करके हम चलिए इसको ले लेते हैं। देखिए सक्सेसफुल लिख कर आ गया। तो अब हम इसको ढूंढेंगे। तो देखिए यहाँ पर ढूंढने के बावजूद भी हमको यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। हमने इसको इंपोर्ट किया फिर भी ये शो नहीं हो रहा है। यहाँ पर प्रोजेक्ट के ऑप्शन पर भी हम जाके देख रहे थे, हम सोचे कि यहाँ पर मिलेगा नहीं क्या, तो यहाँ पर भी नहीं। तो चलिए अब इसको हम थोड़ा ढूंढ लेते हैं कहाँ पर गया होगा। तो चिंता मत कीजिए, जो आपका सोल्यूशन है मैं उसको बारीकी से समझा रहा हूँ, जो कि आपका लाभ देगा, इसलिए मैं पूरा डिटेल से बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी स्टार्टिंग से ही कर रहा हूँ, अभी आपका सोल्यूशन कर लूँगा, बस आपको थोड़ा डिटेल में देखने की ज़रूरत है। मेरा यहाँ पर कहीं भी शो नहीं हो रहा, पूरा का पूरा साफ। देखिए टोटल मेरा सैंपल्स दिख रहा है, लेकिन आ ही नहीं रहा। लास्ट में देखिए मैं क्या करता हूँ, आपको पूरा वाच करके देखना पड़ेगा, मैं क्या उपाय लगाता हूँ ताकि मेरा टोटल FLM प्रोजेक्ट जैसे कि पुराने FL Studio जैसे था वैसे ही यहाँ पर मेरा FLM प्रोजेक्ट आ जाएगा। आपको चिंता करने कोई बात नहीं, मैं हूँ, जब तक मैं हूँ आपको कोई भी दिक्कत वगैरह नहीं होगा। तो ये हम थोड़ा सा और डीपली जाके देखते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़े फीचर्स वगैरह देख रहा था इसके, कि क्या क्या फीचर्स आया हुआ है। तो यहाँ
यहाँ पर भी थोड़े मोड़े फीचर्स आए हुए थे, तो मुझे अभी कुछ पता नहीं है इनके बारे में, बेसिक्स की भी नॉलेज नहीं है फीचर्स के बारे में। तो मैं अब प्लस के आइकन में जाके देखूंगा ऑडियो क्लिप वगैरह। तो यहाँ पर मैं आके ऑडियो क्लिप्स वगैरह ढूंढा, तो मेरे ये जो कि बाहर में थे इसलिए भी शो कर रहे हैं। अभी अगर मैं नया अगर सॉन्ग को यहाँ पर जाके पेस्ट कर दूंगा, जैसे कि यहाँ पर फोल्डर में मान के चलो मैं अपने एफिलिएटेड यूज़र फाइल के वहाँ पर अगर मैं पोस्ट कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा, तो वो शो नहीं करेगा, ताकि क्योंकि बहुत भाई लोग का शो ही नहीं हो रहा है, यही कारण है। तो उसका एक रीज़न है कि जो FL Studio मोबाइल का जो यूज़र था, जो कि ये वाला पोस्ट जो कि यहाँ से जो कि सपोर्ट हो रहा था, आप लोग स्क्रीनशॉट को देख रहे होंगे, आप इंटरनल फाइल में जाके यहीं पर सिंपली किसी भी फोल्डर पे सैंपल वगैरह में पेस्ट कर देते थे नॉर्मली सैंपल को। लेकिन अब जो कि आप वहाँ पर पेस्ट कीजिएगा तो वो आपका शो ही नहीं करेगा, क्योंकि वो जो पोर्शन है जो कि मान के चलिए कि वो उसको जो जहाँ रखता था सैंपल्स वगैरह को, वो स्थान को ही चेंज कर दिया। अब इससे कोई मतलब ही नहीं है, अब वो किसी और जगह ले गया उसको। तो चलिए मैं बताता हूँ क्या कहाँ ले गया, कैसे क्या हुआ। तो आपको इस वाले एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, तो इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना। तो चलिए यहाँ पर देखिए एंड्रॉयड में चले जाना और यहाँ पर डेटा में जाके जैसा कर रहा हूँ वैसा ही फॉलो कीजिए, यहाँ पर अलो कर देना। तो देखिए यहाँ पर अलो मार देना, अलो मांगेगा तो यहाँ पर स्क्रॉल डाउन कीजिए डेटा में ही, डेटा के अंदर यहाँ पर देखिए FL Studio मोबाइल .fm का फाइल है। देखिए यहाँ पर टोटल चीज़ आ चुका है, जो कि जहाँ जो वहाँ पर FL Studio ऐप पर जो शो हो रहा था, अब ये यहाँ चीज़ यहाँ पर इसको अब ट्रांसफ़र कर दिया गया एंड्रॉयड यूज़र के बाहर में जो रहता था इंटरनल में, वहाँ पर छोड़ के अब इसको एंड्रॉयड में ला के शिफ्ट कर दिया गया इसके जगह को। तो वहाँ पर अगर आप सॉन्ग पेस्ट कीजिएगा तो यहाँ पर कैसे शो करेगा, क्योंकि इसका जगह तो चेंज कर दिया गया। तो देखिए मेरा इसको हम पेस्ट किए थे, कुछ भी वहाँ पर शो नहीं किया जाएगा, जो कि इसका रीज़न ये है कि इसको दूसरा जगह शिफ्ट कर दिया गया है। तो देखिए मैं अब क्या करता हूँ, वहाँ पर जो कि मेरे FLM प्रोजेक्ट हैं तो उनको मैं कैसे सपोर्ट में लाऊंगा, तो उसके लिए मैं क्या क्या करता हूँ, आप भी सेम चीज़ यही दोहराइएगा। तो मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार, यहाँ पर देखिए मैं 3 लाइन में चले जाके मैं इनके सभी को डिलीट कर दूंगा, सबसे पहले सिलेक्ट और करके सभी को डिलीट कर दूंगा। ध्यान से देखिएगा वीडियो को, थोड़ा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो मैं मुझे ही आप लोग कमेंट करके दिक्कत कराओगे। तो सभी चीज़ को आपको रिमूव कर देना, यहाँ पर जहाँ पर मैं जो इसे फॉलो कर रहा हूँ उससे अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो कुछ दिक्कत आ सकती है, तो वैसा आपको नहीं करना है, जो मैं कर रहा हूँ वही फॉलो कीजिएगा। वो बाहर वाला पोर्शन डिलीट मत कीजिएगा, बस यही वाला जो दिख रहा है यही वाला ही यहाँ, नहीं तो आप ध्यान से एक बार पहले देख लीजिएगा कि मैं कहाँ कहाँ जाकर किस चीज़ को क्या कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर दिया, तो देखिए मेरा अभी 100% पूरा फाइल डिलीट हो गया यहाँ का, फाइल्स के अंदर का, जो कि यही वाला मेटल आपको डिलीट करना है। तो मैं बैक आ जाऊँगा और अपने FL Studio यूज़र फाइल, ये वाला यूज़र फाइल जो आपका पहले से था, यहाँ पर ही आप सैंपल्स वगैरह लाते थे ना, तो यहाँ पर आकर इन सभी को सिलेक्ट ऑल कर लेना है। सिलेक्ट ऑल करके आपको कॉपी का ऑप्शन ढूंढ के कॉपी कर देना है वहाँ पर। देखिए ध्यान से देखिएगा, सिलेक्ट ऑल करके ऊपर में कॉपी का ऑप्शन होगा, कॉपी करके मैं उसको अब वहाँ पर ले जाऊँगा। जो स्टेप मैं फॉलो कर रहा हूँ वही स्टेप आपको फॉलो करना है। यहाँ पर देखिए मैं आके यहाँ पर अब इसको मैं पेस्ट कर दूँगा, पेस्ट ऑप्शन नीचे है, मैंने देखिए यहाँ पर पेस्ट कर दिया, यहाँ पर कॉपी हो रहा। तो यहाँ पर मैंने वीडियो को स्किप कर दिया थोड़ा सा, ताकि आपको जल्दीबाजी में बता सकूँ। तो यहाँ पर मेरा टोटल फोल्डर देखिए आ चुका है, तो मैं यहाँ पर अब कट करके निकल जाऊँगा। अब चलिए मैं चला जाता हूँ अपने FL Studio मोबाइल के अंदर। तो यहाँ पर देखिए, अब देखिए मेरा FLM जो कि मेरा FLM प्रोजेक्ट, देखिए टोटल मेरा शो हो रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर टोटल मेरा FLM प्रोजेक्ट आ चुका है। अब मैं जिस पर भी क्लिक करूँगा मेरा FLM प्रोजेक्ट टोटल प्रॉपर शो हो जाएगा, बहुत भाई लोग का यही दिक्कत आ रहा था। तो आप लोगों को अभी तक पूरा फंडा समझ में आ ही गया होगा कि क्या करने से क्या होगा, FLM प्रोजेक्ट कैसे शो किया जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैं पुराने सभी फोल्डर्स को एक्सेस कर पा रहा हूँ। देखिए ये मेरा जिप था जिसको मैंने क्लिक करके यहाँ पर एक्सेस पूरा ले लिया। देखिए मैं इसको सॉन्ग का भी चेक कर रहा हूँ, तो ये प्रॉपर बज रहा है, टोटल सैंपल आ चुका है, एक भी सैंपल छूटा वगैरह नहीं है, पूरा उठ के आ चुका है यहाँ पर, क्योंकि मैंने वही फोल्डर को वहाँ पर शिफ्ट कर दिया, जो फोल्डर बाहर में था उसी को मैंने अंदर शिफ्ट कर दिया, क्योंकि वो वाला FLM प्रोजेक्ट को शिफ्ट नहीं कर रहा था, ओनली सिर्फ सैंपल को शिफ्ट कर रहा था। आप स्टार्टिंग में देखे होंगे कि ओनली सिर्फ सैंपल था जो माइग्रेशन हो रहा था फाइल का, उसमें शायद FLM प्रोजेक्ट नहीं होता था माइग्रेशन,
ओनली सैंपल हो रहा था। तो देखिए मैं इसको सेव भी कर लेता हूँ, मैंने सेव भी नहीं किया था तो मैं इसको सेव कर ले रहा हूँ। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ ही गया होगा कि क्या करना है फाइल्स वगैरह को। अगर इसके बावजूद भी अगर आपको समझ में नहीं आता है फाइल्स शो करने वगैरह में, तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम उसका भी वीडियो जल्दी से बना लेंगे। तो हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।